तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एससी वर्मा का, और आई होप कि इस क्वेश्चन को एंजॉय करना, बेहतर तरीके से समझना। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इससे। सर्कुलर रोड है जिसका रेडियस आर है, बैंक्ड है, स्पीड कितना 40 किलोमीटर पर आवर लिमिट है बैंक। ठीक है, जो रोड होता है वो बेसिकली, ठीक है ना, ऐसे आप देखे होंगे, वो बेसिकली हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पे झुका रहता है। उधर से अंदर से गाड़ी आ रही है बोर्ड के अंदर से, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये थीटा बैंक है और इस पे स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर पर आवर। फ्रिक्शन जो है बिटवीन द टायर एंड रोड नेग्लिजिबल है, तो म्यू नेग्लिजिबल है, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, या कोई यूज नहीं है उसका। है तो रफ सरफेस है लेकिन कोई यूज नहीं है। तो ऐसा क्या बात है कि यूज नहीं हो रहा फ्रिक्शन या नेग्लिजिबल है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? सबसे पहले फोर्स देखेंगे। ये मैं आपके लिए बेहतर डायग्राम बना के लेके आया हूँ, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये कार अगर मुड़ रही है, तो ये वाली हॉरिजेंटल वाली प्लेन है जिसमें कार मुड़ना चाह रही है। दिस इज द सर्कुलर प्लेन इन विच द कार वॉन्ट टू टेक द टर्न ऑफ द रेडियस आर। तो इस पे सबसे पहले अगर तुम देखोगे इसका, तो इस पे एम जी तो नीचे लगेगी यार, एम जी इस इंक्लाइंड प्लेन पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी, और नॉर्मल ऐसे लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट तो इधर सेंटर की तरफ जाएगा जो होगा एन कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा जो होगा एन साइन थीटा। ठीक है, तो बस इसके अलावा और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। अगर सूडो लगाना चाहते हो कार के फ्रेम से, तो मान लो भी स्पीड से मुड़ रहा है, तो एम बी स्क्वायर ओवर आर एक सूडो फोर्स लगा दो। कार के फ्रेम से देखोगे तो ग्राउंड से देखोगे तो सेंटीपीटर से कर लो। तो अगर इसका 2D व्यू डायग्राम अच्छे से आप बनाओगे, जो बार बार बनाते हो, तो यही हो कि आपको फील आ गया होगा इसमें। तो यहाँ पर कार है, तो ये थीटा है, तो ये जो सर्कल है इस सर्कल में कार मोड़ना चाह रही है, सेंटर ओ है और रेडियस आर है, तो इस सर्कल में मोड़ना चाहिए। नॉर्मल इस पे ऊपर लगेगा, वर्टिकल से थीटा डिग्री पर नॉर्मल लगेगा, और एम जी भी वर्टिकल से थीटा डिग्री पर लगेगी। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो बेसिकली अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो एन कॉस थीटा ऊपर जाएगा जो कि एम जी को बैलेंस करेगा, और एन साइन थीटा सेंट्रिपिटल फोर्स देगा ये वाली चीज़। तो अब इक्वेशन लिखो, पहला इक्वेशन बना एन, ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन बना इसके गाड़ी के मुड़ने का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, सोचना डेप्थ में जाके, घर जाके सोचना अच्छे से बंद करके। एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि वर्टिकल में फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, और एन साइन थीटा मस्ट बी प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर। ये दो इक्वेशन बनते हैं। अब अगर यहाँ पे स्पीड वी फिक्स कर दिया जाए, ठीक ना, कितना वी फिक्स कर दिया जाए, तो एम बी स्क्वायर ओवर आर की वैल्यू भी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। तो अगर ये कॉन्स्टेंट कितने के बराबर है, यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। ठीक है ना, तो अब जो एन साइन थीटा इस इक्वेशन के देखोगे, तो एन साइन थीटा की वी वैल्यू क्या है, ये तो ऑलवेज फिक्स है, ये तो ऑलवेज यहाँ पे फिक्स्ड है भाई। नॉर्मल हमेशा गाड़ी वही है, मास एम मास की गाड़ी है और इंक्लिनेशन चेंज नहीं हुआ, तो ये तो ऑलवेज फिक्स है, और ये किसी एक केस डिपेंडेंट है। ये क्या है, केस डिपेंडेंट है, तो ये केस डिपेंडेंट है और ये ऑलवेज फिक्स है। ये बात समझना आपको ज़रूरी है। तो अगर कोई बंदा 40 से आ रहा है, अगर 40 से कम स्पीड से आ रहा है, पहला ऑप्शन देखो कि मुड़ नहीं सकता। क्यों नहीं मुड़ सकता भाई, ये ऑप्शन गलत है। द कार कैन नॉट टेक ए टर्न, कार टर्न ले सकती है। ठीक है, इफ द कार टर्न एट स्पीड लेस देन 40 इट विल स्लिप डाउन। देखो, अगर 40 से कम आएगी, बी ऑप्शन अगर चेक करोगे, अगर स्पीड लेस देन 40 है किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जो एम बी स्क्वायर ओवर आर है, इसकी वैल्यू लेस हो गई, कम हो गई। अगर स्पीड कम है तो इसकी वैल्यू कम हो गई, मतलब ये हुआ कि एन साइन थीटा वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, एम बी स्क्वायर ओवर आर से। तो अगर एन साइन थीटा, ये तो चेंज, ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो अगर स्पीड कम है
तो गाड़ी जो है वो डाउनवर्ड स्लिप कर जाएगी। कैसे, इस चीज़ को ऐसे भी समझ लो, सूडो से समझ लो, यहाँ से और अच्छे से सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं मिलेगा। एन साइन थीटा, सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू फिक्स है भाई, एन साइन थीटा की वैल्यू फिक्स है, तो एन साइन थीटा की वैल्यू फिक्स है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू फिक्स है, कम या ज़्यादा नहीं की जा सकती। कम या ज़्यादा होगा तो स्लिपिंग हो जाएगी। यहाँ देखो ये एम वी स्क्वायर सूडो फोर्स, अगर अगर स्पीड कम करोगे तो एन साइन थीटा ज़्यादा हो जाएगा और गाड़ी डाउनवर्ड स्लिप कर जाएगी, इधर इधर आ जाएगी, ठीक है। एन साइन थीटा सूडो पर डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बात ऐसे भी समझ सकते हो, रियल से भी समझ सकते हो, ये जुलाई के जीवीस। तो अपना बी ऑप्शन सही है कि गाड़ी डाउनवर्ड स्लिप कर जाएगी। दूसरा, इफ द बी सही है, इफ द कार टर्न एट ए करेक्ट स्पीड द फोर्स बाय द रोड ऑन इक्वल टू एम बी स्क्वायर। अगर कार सही स्पीड से टर्निंग लेती है, इफ द कार 40 किलोमीटर पर, देन द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इक्वल टू एम बी स्क्वायर। ये बात बिल्कुल गलत है। फोर्स बाय द रोड जो है वो नॉर्मल है, यहाँ पे फोर्स बाय द रोड नॉर्मल है, और नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी एम बी स्क्वायर ओवर आर साइन थीटा, ना कि एम बी स्क्वायर ओवर आ रही है। तो सी ऑप्शन अपना गलत है, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू एम बी स्क्वायर ओवर आर साइन थीटा आ रही है, ना कि एम बी स्क्वायर ओवर आ रही है। डी ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। इफ द कार टर्न करेक्ट स्पीड, फोर्स बाय द रोड इज ग्रेटर देन एम जी एज वेल ग्रेटर देन, अगर करेक्ट स्पीड से टर्निंग लेती है तो देखते हैं कि फोर्स बाय द रोड और सेंटीपिटल की वैल्यू किससे अधिक आती है। डी ऑप्शन चेक करो, नॉर्मल की वैल्यू एन कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, बोलो एम जी को। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी अपॉन कॉस थीटा। और दूसरी बात है, एन साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, तो एन साइन थीटा की वैल्यू एम बी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से जो एन की वैल्यू जो एम बी स्क्वायर ओवर आर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मुझे दोनों वैल्यू चेक करना है। तो यहाँ से नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम बी स्क्वायर ओवर आर और साइन थीटा। तो अब देखो ये जो कॉस थीटा है वो कुछ फिनिट पॉजिटिव नंबर है, ये जो कॉस थीटा है वो नॉन जीरो नंबर है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मल एन टाइम्स आ जाएगा एम जी, तो नॉर्मल ग्रेटर होगा एम जी के, ये बात समझ में आ गया होगा। और अगेन यहाँ पर देखोगे तो एम बी स्क्वायर ओवर आर है और ये 1/sin θ कुछ फिनिट पॉजिटिव वैल्यू देगा, कुछ फिनिट पॉजिटिव वैल्यू एड करेगा, तो नॉर्मल अगेन इतना टाइम्स आ जाएगा एम बी स्क्वायर, तो अगेन नॉर्मल ग्रेटर होगा एम बी स्क्वायर ओवर आर से। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल एम जी और एम आर से ग्रेटर होगा, मतलब डी ऑप्शन हम लोग का सही है। क्या होगा अगर गाड़ी ज़्यादा स्पीड से मुड़े, तो कम स्पीड से मुड़ेगी तो डाउनवर्ड स्लिप हो जाएगी, और ज़्यादा स्पीड से अगर स्पीड इज ग्रेटर देन 40 किलोमीटर पर आवर, तो क्या अभी भी नॉर्मल एन को एन साइन थीटा दे देगा क्या सेंट्रिपिटल? नहीं यार, ज़्यादा स्पीड से मुड़ेगी तो गाड़ी जो है वो बाहर की साइड स्कीड करेगी, ठीक है, यहाँ बाहर की साइड स्कीड करेगी। कम स्पीड होगा तो इधर स्कीड करेगी, और एग्जैक्ट स्पीड होगा 40 तो वो सेफ मुड़ लेगी। क्यों? इसके पीछे रीजन है कि एन साइन थीटा फ्लक्चुएट नहीं कर सकता, ये वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बेहतर तरीके से 2-4 मिनट निकाल के अपनी ज़िंदगी का इसके बारे में सोचना, इट्स वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।